हाय गाइस, मेरा नाम मनीषा और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली जो वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। जो लोकेशन रहने वाला है वो है जीरकपुर टू पटियाला हाईवे नियर टू चंडीगढ़। एंड अभी मैं आपको पहले अंदर लेके चलती हूँ। आज हम बहुत ही अमेजिंग स्पैनिश विलास देखने आए हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं, तो आइए मेरे पीछे चलते हैं। तो जैसा कि आप पहले एलिवेशन देख सकते हैं, सबसे पहले एलिवेशन देख लीजिए आप, बहुत ही अमेजिंग 5 BHK का ये स्पैनिश विला है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हम पार्किंग की। एक विला के साथ आपको 2 पार्किंग मिल रही है, एक यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी, एक वहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाएगी। तो और उसके बाद मैं बात करती हूँ, आपको 2 पार्क्स मिलने वाले हैं, क्लब्स मिलने वाले हैं, प्रॉपर आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत ही ज़्यादा रॉयल फीलिंग आपको आने वाली है जब हम विला के अंदर जाएंगे, जब हम विला के अंदर एंटर करेंगे। तो ज़्यादा ना इंतज़ार करवाते हुए आपको अब मैं लेके चलती हूँ विला के अंदर, आइए। गाइज एक बात बतानी रह गई थी, ये घर बेसमेंट प्लस 3 स्टोरी विद लिफ्ट, एंड बेसमेंट में भी चलेंगे अभी, बेसमेंट में मैं आपको लेके चलूँगी, पहले ऊपर का एरिया कवर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पे वुडन का डोर मिल रहा है, काफ़ी डिज़ाइनर डोर मिल रहा है यहाँ पे। ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप। और गाइज एक बात बताना मैं चाहती हूँ आपको, इस ये घर आपको सेमी फर्निश्ड में भी अवेलेबल मिल जाएगा एंड फर्निश में भी अवेलेबल मिल जाएगा, और डिपेंड करता है आपके ऊपर आप फर्निश लेना चाहते हैं या सेमी फर्निश लेना चाहते हैं, बस कॉस्ट थोड़ी ऊपर हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ मेन एरिया की तरफ जो कि है हमारा किचन। ये आ जाता है हमारा फुल्ली मॉड्यूलर किचन, देख सकते हैं आप, टाइल देख सकते हैं, फॉल सीलिंग देख सकते हैं, कितनी अमेजिंग रॉयल फीलिंग एकदम। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बड़ी सी विंडो मिल जाती है फॉर योर वेंटिलेशन एंड सनलाइट, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अच्छे कैबिनेट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो स्टोरेज का, विथ सॉफ्ट सॉफ्ट क्लोजर। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल किया गया है, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे। फॉल सीलिंग देख सकते हैं, काफ़ी डिज़ाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। डाइनिंग टेबल देख सकते हैं गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि सेमी फर्निश्ड भी अवेलेबल है ये घर एंड फर्निश्ड भी अवेलेबल है ये घर। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है ताकि आपको आपके डाइनिंग एरिया की तरफ फुली वेंटिलेशन मिलती रहे एंड सनलाइट मिलती रहे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लिफ्ट, यहाँ देख सकते हैं आप, ये आ जाता है आपका लिफ्ट जहाँ से आप बेसमेंट में जा सकते हैं एंड टॉप फ्लोर पे भी जा सकते हैं एंड टॉप टू टॉप फ्लोर टेरेस में भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, लुक एट द स्पेस गाइस, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है विद फॉल सीलिंग एंड LED लाइट्स, देख सकते हैं आप, फॉल सीलिंग देख सकते हैं। ये आ जाता है आपका TV पैनल एरिया, काफ़ी अच्छा TV पैनल एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ इस बेडरूम के अटैच्ड वॉशरूम की तरफ। ओ माई गॉड गाइज, ये आ जाते हैं आपके वार्ड्रॉब्स, काफ़ी अच्छे वार्ड्रॉब्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो टाइल देख सकते हैं गाइज, फुल हाइट तक की ये टाइल्स हैं, काफ़ी यूनिक टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं। जैसा ही घर है रॉयल फीलिंग के साथ, वैसी आपका वॉशरूम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेज हूँ कि ये कितना अमेजिंग स्पैनिश विला है। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ बैकयार्ड की तरफ जहाँ पे हमने वॉशिंग एरिया बनाया है, ये देख सकते हैं, ये आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ बेसमेंट की तरफ, ग्राउंड फ्लोर तो हमने देख ही लिया है, लिफ्ट से चले या स्टेयर्स यूज़ करें, स्टेयर्स यूज़ करते हैं, आइए। तो
आप लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखिए गाइस, ये आ जाता है आपका बेसमेंट। सबसे पहले आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, टी कॉफी इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये देख सकते हैं आप, और स्टेयर्स देख सकते हैं कितनी खूबसूरत स्टेयर्स है गाइस। देखे तो नजरें ना हटे, ऐसे लग रहा है बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ होम थिएटर की तरफ। ये आ जाता है आपका पर्सनल होम थिएटर, देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका पर्सनल होम थिएटर मिल रहा है, जहाँ पे आप बैठ के कोई भी मूवी इंजॉय करें या फिर सीरीज इंजॉय करें, जो भी आप इंजॉय करना चाहें। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और इसको मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ, ये भी आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, यहाँ से भी बैठ के टीवी एंजॉय कर सकते हैं, अपना होम थिएटर एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं फॉल सीलिंग, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइनर, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है विद LED लाइट्स। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम की तरफ। ये आ जाता है आपका वॉशरूम, काफ़ी यूनिक टाइल्स यहाँ पे भी यूज़ की गई हैं, देख सकते हैं आप। तो गाइज, जैसा कि हमने अभी भी हमारा बेसमेंट देखा है, बहुत ही अमेजिंग बेसमेंट है ये, जिसमें आपको आपका पर्सनल होम थिएटर मिल रहा है। ये लिफ्ट आ जाती है, लिफ्ट से चले, चलिए आइए लिफ्ट से चलते हैं। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ, हमने हमारा बेसमेंट देख लिया, हमने हमारा फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर देख लिया, अभी मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। हमने हमारा 1 बेडरूम देखा है, अभी हमने 4 बेडरूम्स और देखने, तो मैं वेट कर रही हूँ ये लिफ्ट कब खुलेगी, तो हम चलेंगे ऊपर। तो अब हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, जैसे ही लिफ्ट खुलेगा, खुलिए लिफ्ट, आइए गाइस। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपका यहाँ पे विंडो मिल रही है, ताकि वेंटिलेशन और सनलाइट आपके बेडरूम में प्रॉपर आती रहे, बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सबसे मेन बात मैंने आपको बताया नहीं कि ये गेटेड सोसाइटी रहने वाला है गाइज, 24/7 आवर्स सिक्योरिटी गार्ड्स रहने वाले हैं। और उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम से पहले आप यहां पे देखेंगे वार्डरोब्स, ये आ जाता है आपका वार्डरोब एरिया, फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप यहां पे भी। और उसके बाद ये आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम, काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको आपका अटैच्ड वॉशरूम मिल रहा है। तो गाइस, पूरे ही घर में आप देख रहे होंगे कि कितनी रॉयल फीलिंग आ रही है। अब हमने हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम तो देख ही लिया है, उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है आपका सेकेंड बेडरूम, देख सकते हैं फॉल सीलिंग आपको मिल रही है विद LED लाइट्स, एंड काफ़ी अच्छी पेंटिंग यहाँ पे लगाई गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और यहीं पे आपको विंडो मिल जाती है, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर आती रहे एंड सनलाइट प्रॉपर आती रहे। पीछे बालकनी भी आपको मिल रही है, बालकनी अभी देखेंगे हम। ये आ जाता है आपका TV पैनल एरिया, काफ़ी बेहतरीन TV पैनल एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम की तरफ, अटैच्ड वॉशरूम। ये आ जाता है आपका अटैच्ड वॉशरूम, यहीं पे आप देख सकते हैं ग्लास की पार्टीशनिंग की गई है, एंड ये आ जाते हैं आपके फुल हाइट तक के वार्डरोब्स। और उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ बालकनी की तरफ, यहीं पे आपके सेकंड बेडरूम से आपके बालकनी की एक्सेस है, ये देख सकते हैं। ये आ जाती है आपकी बालकनी, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे
कितना अमेजिंग, काफ़ी स्पेशियस पार्क यहाँ पे आपको मिल रहा है, वहाँ पे भी गार्ड है, यहाँ पे भी गार्ड है, तो गार्ड 24/7 आज यहाँ पे रहने वाले हैं, सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं रहने वाली है यहाँ पे। तो ये हमने हमारे 2 बेडरूम देख लिए, इन टोटल हमने हमारे 3 बेडरूम देख लिए हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक और फ्लोर पे, जहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स रह चुके हैं अभी। अभी क्या करें, लिफ्ट यूज़ करें या स्टेयर्स, लेट्स गो विद द स्टेयर्स। चलिए आइए गाइस, स्टेयर्स के साथ चलते हैं ऊपर, 2 बेडरूम और देखने हैं हमने। तो अब हम पहुँच चुके हैं हमारे 2nd फ्लोर पर, मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे 4th बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है हमारा 4th बेडरूम, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ, काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे आपका 4th बेडरूम मिल रहा है। आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है ताकि आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलती रहे एंड सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे। यहाँ बालकनी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है। और उसके बाद मैं लेके चलती हूँ आपको वॉशरूम की तरफ। और उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं आपके 4th बेडरूम में ये सिटिंग एरिया भी लगाया गया है, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल रही है, यहाँ आप अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम की तरफ। उससे पहले आ जाते हैं आपके वार्डरोब्स, काफ़ी स्पेस के साथ आपको आपके वार्डरोब्स मिल रहे हैं। फॉल सीलिंग देख ली आपने, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग आपको मिल रही है। उसके बाद ये आ जाता है आपका वॉशरूम, अटैच्ड वॉशरूम, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग आपको मिल रही है विद LED लाइट्स। चलिए गाइज इसके बाद हम चलते हैं 5th बेडरूम की तरफ, आ जाइए। ये आ जाता है आपका 5th एंड लास्ट बेडरूम, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। फॉल सीलिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन फॉल सीलिंग आपको मिल रही है विद LED लाइट्स। ये आ जाता है आपका TV पैनल एरिया, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक एंटिक पीसेस यहाँ पे रखे गए हैं। और उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अटैच्ड वॉशरूम की तरफ। ये आ जाते हैं आपके वार्डरोब्स, फुल हाइट तक के वार्डरोब्स हैं। और ये आ जाता है मतलब ग्लास की पार्टीशनिंग के साथ, काफ़ी अमेजिंग वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है। टाइल वर्क देख सकते हैं काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। लाइट्स देखते हैं, LED लाइट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और ये था हमारा 5BHK स्पैनिश विला। गाइस ये थे हमारे 5BHK के स्पैनिश विला, बहुत ही अमेजिंग स्पैनिश विला टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर्सनली मैंने अभी तक ऐसा स्पैनिश विला नहीं देखा है। तो रुकिए ज़रा, ये वीडियो का एंड नहीं है, अभी हम चलते हैं टेरेस एरिया की तरफ, जहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है। तो आइए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो गाइज ये है आपका पर्सनल बार, देख सकते हैं काफी अमेजिंग यहाँ पे आपको बार मिल रहा है, देख सकते हैं आप गाइज यहाँ पे बैठ के अपना इवनिंग टाइम इंजॉय करने में आपके अपने पर्सनल घर में, पर्सनल बार में क्या ही वाइब आएगी सोचिए आप। तो बहुत ही अमेजिंग बार है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई गाइज, अभी आपके लिए सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आपके पर्सनल जकूजी की तरफ, आइए ये देखिए गाइज। ओ माय गॉड, सोचिए आपके अपने घर में ऐसा कुछ, मतलब इमेजिन दैट, कितना अमेजिंग है गाइज, क्या वाइब है, खुली हवा बिल्कुल, यहाँ इंजॉय करें अपना पर्सनल जकूजी, बहुत ही अमेजिंग वाइब है, खुली हवाएं आ रही हैं और बिल्कुल ही अमेजिंग वाइब आ रही है यहाँ पे, देख सकते हैं खुला आसमान, आपके अपने घर में आप इंजॉय कर रहे हैं, बार इंजॉय कर रहे हैं, आपका जकूजी इंजॉय कर रहे हैं।
तो गाइज ये था हमारा 5 BHK स्पेनिश विला, बहुत ही अमेजिंग वाइब के साथ, बहुत ही अमेजिंग रॉयल फीलिंग के साथ, जैसा कि आपने देख ही लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। और कोई भी जानकारी आप इस वीडियो के बारे में, इस पर्टिकुलर विला के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें।